हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी मेथड से बेसन की बर्फी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, तो आने वाले फेस्टिवल में आप इसे ज़रूर बनाइए और अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आज की रेसिपी भी आपको ईजी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन को धीमी आँच पर रखेंगे और इसमें डालेंगे 1/3 कप देसी घी और इसे मेल्ट होने देंगे। घी पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप + 1/3 कप बेसन और इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए तब तक भून लेंगे जब तक कि बेसन का कच्चापन ना खत्म हो जाए, और ध्यान रहे कि बेसन बिल्कुल भी ना जले, इसलिए फ्लेम बिल्कुल लो रखें और इसे लगातार चलाते रहें। बेसन को भूनते हुए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं और बेसन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और ये देखिए घी भी सेपरेट हो रहा है, ये परफेक्ट है। अब इसमें डालें 5 से 6 बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते, या आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिला लें। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ज़रूर डालें, इससे बर्फी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसे स्किप बिल्कुल भी ना करें, अच्छे से मिला लें। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो 2 से 3 इलायची को क्रश करके भी डाल सकते हैं। ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे स्टोव से हटा देंगे और इसमें डालेंगे पीसी हुई चीनी 1/2 कप, या आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम पीसी हुई चीनी को डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिल चुकी है। अब हम इसे जमाने के लिए एक कंटेनर लेंगे। ये मैंने केक टिन लिया है और इसे मैंने घी से अच्छे से ग्रीस कर दिया है, और ये मैंने बटर पेपर लगाया है इसके ऊपर और इसे भी अच्छे से मैंने ग्रीस किया है। आप चाहें तो कोई भी स्टील की थाली ले लें या प्लेट ले लें और उसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लें ताकि बर्फी को निकालने में आसानी हो। अब बर्फी के मिक्सचर को इस कंटेनर में डाल दें और इवनली स्प्रेड कर लें। अच्छे से स्प्रेड कर लेने के बाद अब हम बर्फी को गार्निश करेंगे बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते से। आप चाहें तो अपने पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इन्हें स्पून या स्पैटुला से हल्का सा दबा दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसे जमने के लिए 10 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे, या आप चाहें तो इसे रूम टेम्परेचर पर भी सेट होने के लिए रख सकते हैं। बस ध्यान रखें कि ये पूरी तरह से ना जमे, हल्का सा सॉफ्ट रहे ताकि जब हम इनके पीसेस करें तो ये ना टूटे। 10 मिनट हो गए हैं और ये लगभग सेट हो गया है, हल्का हल्का अभी भी ये सॉफ्ट है। अब हम इसे कट कर लेंगे। बर्फी का साइज़ अब अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा रख सकते हैं और शेप अपने पसंद के अनुसार काट सकते हैं। मैं इसे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, आप चाहें तो इसे डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। और कट करने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में 15 से 20 दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं या रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। रेफ्रिजरेट करने के बाद ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे क्योंकि इसमें घी डाला हुआ है। वैसे ये बनने के बाद बिल्कुल भी नहीं बचेंगे क्योंकि ये है ही बहुत ज़्यादा डिलीशियस। तो आने वाले फेस्टिवल में इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और हाँ, अपना कॉमेंट और फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और आज की रेसिपी भी आपको इजी लगे, हेल्पफुल लगे और डिलीशियस लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और ऐसी ढेरों मज़ेदार रेसिपीज और देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।